स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री सिक्स क्लास में डॉक्टर सिर्फी सर। आज का हमारा वीडियो बायो मॉलिक्यूल के ऊपर अगेन टर्म वन फॉर जेई नीट के लिए। आई स्टूडेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन फ्रक्टोज एज वी नो द पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टूडेंट्स यस, जल्दी से आप अपना आंसर लॉक करिए। फ्रक्टोज में टोटल यानी मैक्सिमम काइरल कार्बन मानते हुए चलना, चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर एक जो काइरल कार्बन है वो आपके टू ऑप्टिकल्स देंगे, जिसको डेक्सट्रॉड लेवल बोलेंगे। उसके बेसिस पे आप फ्रक्टोज में देखेंगे तो आपके टोटल जो है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 4। सो द करेक्ट आंसर इज बी 8, टोटल ऑप्टिकल ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इनमें से कौन सा, जैसे फेलिंग सोल्यूशन उसी तरह से बेनेडिक्ट होता, बस उसमें NaOH और सोडियम कार्बोनेट का डिफरेंसेस होगा केमिकल कंपोजिशन के अंदर। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी एसिड एल्डिहाइड। यस स्टूडेंट्स, तो ये आपका बेनेडिक्ट जो होगा रिड्यूसिंग शुगर या मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है, यानी कि CHLDHydrides के लिए, तो ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड्स है और सुक्रोज और एसिटाइल्डिहाइड, इसमें सुक्रोज डाइसैकेराइड है जो कि बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। हाइड्रोलाइसिस अगर अपन करें सुक्रोज का तो ये फिनोमिनॉन क्या कहलाएगा, इधर ए हाइड्रेशन, बी ऑप्शन सपोनिफिकेशन, सी ऑप्शन एस्टरीफिकेशन एंड डी ऑप्शन इन्वर्जन। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसको इन्वर्जन फिनोमिनॉन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड नहीं है, ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी एडिनिन, ऑप्शन सी हिस्टिडीन, ऑप्शन डी बेंजीडीन। ग्लाइसिन आपका एमिनो एसिड है, एडिनिन हिस्टिडीन आपके अमीनो एसिड्स है, बेंजीडीन किसी तरह का अमीनो एसिड्स नहीं होता। सो नॉट पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंसुलिन अ हार्मोन केमिकली इज। इनमें से केमिकली क्या है अगर वो हार्मोन है तो उसमें ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी स्टेरॉइड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। यस स्टूडेंट, तो इंसुलिन इज ए प्रोटीन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा, ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड हो जाएगा प्रोटीन का, बी लॉस ऑफ वन डिग्री स्ट्रक्चर, वन डिग्री स्ट्रक्चर जो प्राइमरी प्रोटीन जिसको बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉस ऑफ वन डिग्री एंड टू डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन डी लॉस ऑफ टू डिग्री एंड थ्री डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें डीनेचुरेशन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो मेंटेन रहते हैं, लेकिन उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सारे लॉस होते हैं, इसीलिए इसमें मोस्ट करेक्ट जो जाएगा वो लॉस ऑफ टू डिग्री एंड थ्री डिग्री स्ट्रक्चर होगा, अनकॉइल्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्यूरीन डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग बेसिस। स्टूडेंट डीएनए आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें बेसिक रिंग्स जो होती है वो एक तो होती है आपकी पाइरीमिडीन, ओके, और सेकेंड वन होती है आपकी प्यूरीन। तो इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा जो नाइट्रोजन बेस है वो प्यूरीन का डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए थायामिन, ऑप्शन बी यूरासिल, ऑप्शन सी ग्वानिन एंड ऑप्शन डी साइटोसिन। तो स्टूडेंट इसमें ग्वानिन जो होता है वो आपका प्यूरीन डेरिवेटिव होता है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा कंपोनेंट है, ऑप्शन ए पेंटोज सुगर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन सी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आपको याद होगा स्टूडेंट जब डीएनए के अंदर अपन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशंस देखते हैं तो उसमें पहले तो होती पेंटोज सुगर, फिर उससे जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस और फिर उससे जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, ये सब मिलके आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके पॉलीमराइजेशन से आपका डीएनए सिंथेसाइज होता है। सो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट, क्योंकि सारे ही कंपोनेंट उसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन डीएनए ऑक्सीजन डेफिशिएंट, जैसे अपन डीएनए की फुल फॉर्म में लिखते हैं डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डी मींस रिमूव्ड, तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कौन से कार्बन पे, एट विच कार्बन, इन पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर में ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे डेफिशिएंट होती है, तो स्टूडेंट जब, और इसमें पेंटोज सुगर कौन सी होती है, राइबोस, और राइबोस के अंदर आप जब देखेंगे तो इस तरह से होगा, तो यह आपका एनोमेरिक कार्बन हो गया और ये पोजिशन नंबर
टू, और पोजीशन नंबर टू में यहां पे ऑक्सीजन प्लेस नहीं होती है, तो इसीलिए कार्बन नंबर टू जो होता है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहता डीएनए के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन ए C1, ऑप्शन बी C2, ऑप्शन सी C3 एंड ऑप्शन डी C4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी C2, कार्बन पे जो है वो ऑक्सीजन डेफ, यहां पे OH नहीं होता जबकि आरएनए में यहां पे OH होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द पेयर ऑफ बेसिस इन डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, यानी कि स्टूडेंट जो अपने पास में ATCG होता है, ATCG इसमें जो ये बॉन्ड्स है डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपस में कौन से बॉन्ड से जो हेल्ड टुगेदर, अपन इसको डैश से लिखते हैं लेकिन दीज आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सी पेप्टाइड बॉन्ड और डी वंडरवाल फोर्स। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फॉर्म में ये होते हैं, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेंट होते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन सोल्यूशन इज नोन एज, अगर ये दोनों सोल्यूशन एक इक्विलिब्रियम तक आपस में इंटर कन्वर्जन करते हैं और एक स्टेबल एंगल तक आते हैं इसके रोटेशन रोटेशनल एंगल तक, तो उस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं, ए रेसमाइजेशन, बी एस्टरिफिकेशन, सी म्यूटा रोटेशन, डी रेप्लिकेशन। स्टूडेंट टाइम के साथ में अगर इनका रोटेशनल एंगल अगर चेंज होता है तो उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वायलेट कलर, ध्यान दीजिए, वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इज एडेड इन अल्कलाइन, यानी कि NaOH के साथ में सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में अगर वायलेट कलर डेवलप होता है तो ये कौन सा टेस्ट कहलाएगा, द टेस्ट नोन एज, ऑप्शन ए बाइल्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन बी मॉलिश टेस्ट, ऑप्शन सी मिलन्स टेस्ट, ऑप्शन डी फेलिंग टेस्ट। तो ये बहुत ही फेमस टेस्ट है जो यूरिया के लिए भी होता है और ऑन प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ NH, इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो इस टेस्ट का नाम है बाई यूरेट टेस्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज ऑपरेशन ऑफ, यानी कि DNA का जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ऑप्शन डी वंडरवाल फोर्सेस। यस स्टूडेंट, तो वेरी फेमस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, वो RNA में तो होना चाहिए बट नॉट इन DNA, DNA में नहीं होना चाहिए, वो कौन सी नाइट्रोजन बेस होगी, ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी साइटोसिन, ऑप्शन सी यूरासिल, ऑप्शन डी आपका थायमिन। यू नो स्टूडेंट्स, ए और टी, सी एंड जी, ये आपके होते हैं DNA के अंदर, ओके, और इसमें ये जो टी होता है वो RNA में आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, यू सी जी एज इट इज रहेंगे, तो आपको जो चेंज मिला वो RNA में कौन सा होता है, यूरेसिल, सो यू इसमें यूज होगा, तो इसीलिए इसमें ऐसा ऑप्शन ग्वानिन हो गया, तो इसमें सी जो है ऑप्शन राइट होगा यूरेसिल, बी साइटोसिन है और डी थायमिन है, तो सी यूरेसिल जो कि RNA में एग्जिस्ट करेगा DNA में नहीं होगा, DNA में इसकी जगह पे थायमिन रिप्लेसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एनीमिया अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, ध्यान रखिएगा, एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉज्ड बाय RBC भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी विटामिन्स, इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से आपका एनीमिया जो है वो डिजीज क्रिएट होती है, ऑप्शन ए B6 विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B2 एंड ऑप्शन डी विटामिन B12। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, ये बहुत ही प्रिंसेस एनीमिया के नाम से डिजीज जानी जाती है जिसको नॉर्मली एनीमिया भी कहते हैं, और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामाइन है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट ये आपके कंप्लीट बायोमोलिक्यूल क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा और जुड़ने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।